तो अभी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम बता रहे हैं। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, इस तरह की कोई रिजिड बॉडी है, ठीक। और रिजिड बॉडी का ये मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से इसकी कोई एक्सिस है जो कि ये मान लो डी एक्सिस है, और हमको कोई पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, इससे कोई एक एक्सिस पास कर रही है, डी है, और हमको ए कोई एक्सिस ए बी है जिसके अलोंग हमको मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना है। ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना है। सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी है, जिस एक्सिस के थ्रू ए बी के अलोंग हमको निकालना है उसकी दूरी कितनी है, डी है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस बात को याद रखो कि ये सब, ये जो रिजिड बॉडी है इसके प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है सब कुछ चीजें। तो और मान लो, तो इसमें हम क्या देखेंगे, मान लो किसी रिजिड बॉडी का निकालना है तो हम क्या करें, यहां से कोई एक मास पी ले लेते हैं, पी पे कोई एक मास एम है, एक पॉइंट पी पे कोई मास एम है, और इसका डिस्टेंस यहां से कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, आर दूरी। तो बताओ इस मास का ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ एनर्जिया कितना होगा, ए बी के जो अलोंग मोमेंट ऑफ एनर्जिया होगा इस मास का कितना होगा, तो क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल देंगे इस पे ना, यही करते हैं ना मोमेंट ऑफ। तो ए कितना एम, और कितना आर इतना है, और डी इतना है, यहां से यहां तक दूरी टोटल मापोगे ना, इतना दूरी है ना, तो ये कितना होगा, एम आर प्लस इतना हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करो तो ये कितना लिखोगे, एम डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी हो जाएगा, एम इतना हो जाएगा। अब इसको इसको खोलो ब्रैकेट को, तो ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एम एम आर स्क्वायर, पहले लिखते हैं एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस 2 m r और d लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 2 m r d। अब बताओ एम आर स्क्वायर किसके थ्रू है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू है। अगर इस पार्टिकल का लें तो एम आर स्क्वायर क्या है, आई सेंटर ऑफ मास है ना, m प्लस एम डी स्क्वायर को हम उसी तरह से छोड़ते हैं, एम डी स्क्वायर क्या है, सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन का है जिसके थ्रू हमको निकालना है, ठीक ना, वो है। तो एम डी स्क्वायर को हम उसी तरह छोड़ते हैं, और देखो जो एम और आर का है, तो मान लो कि हम तो केवल एक पार्टिकल का लिए, लेकिन रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, M1 M2 M3 MN ऐसे करके कई सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो हम टोटल पार्टिकल का निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन ले लेते हैं, और इसको क्या लिख देंगे, आई लिख देते हैं, आर को भी आई लिख देते हैं, तो एम आई आर आई आर आई आर आई, मतलब आईएथ पार्टिकल का लिख करके और सबको जोड़ देते हैं, समेशन कर दें, तो टोटल पार्टिकल का हमको मिल गया ए समेशन एम डी स्क्वायर हो गया, और नहीं ये तो आई सेंटर ऑफ मास हो ही गया, ये एम डी स्क्वायर हो गया, समेशन एम डी स्क्वायर हो गया, ठीक ना, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, समेशन 2 m r i और d हो जाएगा। अब देखो जो एम आई आर आई है, एम आई आर आई है क्या, ए मास का मोमेंट है, जो जितने मास है उनका मोमेंट है, और अगर जितने टोटल मास है अगर उनका मोमेंट लोगे तो ये जीरो आता है, रिजिड बॉडी में अगर टोटल मास का मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कुछ प्लस आर पे होगा कुछ माइनस आर पे होगा, इस तरह से जब टोटल सम करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो 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 आ जाएगी, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को तो जीरो कर दिए, तो बचा क्या फाइनली, आई ए बी इज इक्वल टू बचा क्या, तो आई ए बी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास बचा, और समेशन एम को हम कैपिटल एम लिख सकते हैं, समेशन एम है एम आई है, तो समेशन एम आई को हम लोग कैपिटल एम लिख सकते हैं, क्यों, कैपिटल एम का मतलब ये टोटल अब जितना मास है रिजिड बॉडी में वो सबका ले लिया, एक पहले एक मास को हम लेकर के और उसको जनरलाइज कर दिए, तो ये टोटल मास और डी स्क्वायर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी का एम किसका मास है, ये टोटल रिजिड बॉडी है इसका टोटल का मास कैपिटल एम है, तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो थ्योरम कहता है कि अगर सेंटर ऑफ मास के पैरेलल अगर किसी एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना हो, एनर्जिया निकालेंगे और सेंटर ऑफ मास से
जिस एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालना हो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके और उस बॉडी के मास में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, कि मोमेंट ऑफ एनर्जिया सेंटर ऑफ मास के अलोंग पहले निकालो और इसके बाद क्या करो, सेंटर ऑफ मास से जिस एक्सिस के थ्रू निकालना है उसका दूरी है तो उसमें उस ऑब्जेक्ट के मास का और दूरी का स्क्वायर कर दो, क्योंकि मोमेंट ऑफ एनर्जिया आई एम आर स्क्वायर होता है, तो इन दोनों का सम जो होता है उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ एनर्जिया हो गया। जैसे अभी तुम्हारे समझ में जब हम एग्जाम्पल देंगे तो चीजें और काफी क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो अब जरा तुम लोग अपने पूर्व नॉलेज के आधार पे जरा तुम लोग मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालो और तुम लोग बताओ कि कितना होगा। सब लोग कॉपी कलम निकाल लें, जब भी पढ़ाई करो कॉपी कलम निकाल करके पढ़ाई किया करो। तो अब देखो शुरू से हम शुरू करते हैं, रिंग से ही शुरू करते हैं। ये क्या है, रिंग है और ये रिंग है, ठीक ना, रिंग है, ये रिंग है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्जिया इसके किसी टेंजेंट के थ्रू यहां से चाहिए। ये सेंटर से कितनी दूरी पे है टेंजेंट, आर दूरी पे है, तो बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्जिया ए बी के अलोंग, आई ए बी। तो आई ए बी के अलोंग हम लिख सकते हैं आई सेंटर ऑफ मास प्लस इस अगर रिंग का मास m है तो प्लस एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। d कितना है, d की वैल्यू r है ना, समझ में आ रहा है ना, d की वैल्यू r है, तो आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। और आई सी एम कितना होता है, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ एनर्जिया इसका कितना होता है बताओ, रिंग का एम आर, एम आर स्क्वायर, रिंग का एम आर स्क्वायर हो गया प्लस एम आर स्क्वायर। तो ए बी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया हो गया कितना हो गया, टू एम आर स्क्वायर। ए सेंटर ऑफ मास रिंग का यहां सेंटर पे पड़े, रिंग का कोई भी सिमेट्रिक बॉडी होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे पड़ेगा, अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो। अगर ये रॉड है, अगर सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास इसके बीच में पड़ेगा, ठीक ना। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग, तो ये जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया है जो बीच से पास कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ एनर्जिया होगा, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिक है, ठीक। अब बताओ यहां से 2r दूरी पे मोमेंट ऑफ एनर्जिया कितना होगा, अगर यहां से हम 2r दूरी पे अगर ले लिए कोई एक्सिस a डैश b डैश, a डैश b डैश ले लिए, तो अब आई ए डैश बी डैश बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे, आई सेंटर ऑफ मास और प्लस एम तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर प्लस फोर तो कितना हो जाएगा, फाइव ए। ये चीजें आ रही हैं समझ में इतना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इतना में समझ में आ गया होगा आप तुम लोगों को। चलो अब बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्क के लिए, यही सब ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन दे देगा कि कोई डिस्क है और उसके किसी एक टेंजेंट के अलोंग तुम मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालो। तो अब हम दे दिए इस डिस्क को और डिस्क के टेंजेंट के अलोंग तुम मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालो। डिस्क है, रेडियस आर है, बताओ अब बताओ मोमेंट ऑफ एनर्जिया आई कितना होगा। हाँ अरे कोई भी सिमेट्रिक बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही पड़ेगा, उसके बीच में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये बोले ना कि दोनों एक्सिस के बीच में, और ये कितना होगा, आई सेंटर ऑफ मास डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ये थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर हो गया, नहीं एक 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 सेंटर ऑफ मास से और इसके बाद सेंटर ऑफ मास से उस एक्सिस का जितना दूरी है उसको स्क्वायर करके उसके मास में मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना। अगर इसको हम इस दूरी को 2r ले लें, 2r दूरी पे अगर हमारा एक्सिस है तब कितना होगा, अगर आई ए बी होगा और आई ए डैश बी डैश होगा तो आई ए डैश बी डैश कितना होगा, हाफ ए एम आर स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, टू आर दूरी पे है ना, तो प्लस एम और टू आर का होल स्क्वायर,
तो कितना होगा, हाफ प्लस फोर एम आर जी, तो हाफ फोर एम नाइन बाई टू एम आर स्क्वायर, 9/2 mr² हो जाएगा, ठीक ना। तो चलो ठीक है, ये भी तुम लोग समझ गए। तो अब इसी तरह से सबका बता दो। अच्छा सिलेंडर का बताओ, जरा सिलेंडर का बताओ। यही सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग अपने बुक में देख। हाँ हॉलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या है, हॉलो है, ये हॉलो है, HOLLOW, हॉलो सिलेंडर है। और इसके इसके लॉन्ग बताओ, जो ए बी है क्या है, इसके सरकमफेरेंस से, इस सरफेस से सटी हुई एक लाइन है, इसके लॉन्ग तुम बताओ, आई ए बी कितना होगा, आई ए बी कितना होगा। तो आई ए बी कितना होगा, इसका मास सेम है, यहां से कितनी दूरी है, आर है, तो आई सी एम प्लस, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी एम कितना होगा, मास हम सिलेंडर का एम ले रहे हैं, आई सेंटर ऑफ मास कितना होगा बताओ, तो आई एम ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर होगा, नहीं क्योंकि हॉलो है, हॉलो है तो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर होता है, और एक का एक एम आर स्क्वायर और मिल गया, तो कितना हो गया, एक टू एम आर स्क्वायर हो गया। अगर सॉलिड सिलेंडर ले लें तब, सॉलिड सिलेंडर ले लें तब बताओ क्या होगा, अगर सिलेंडर को हम अगर अगर ये सिलेंडर सॉलिड हो जाए तब, तब आई ए बी कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए आई ए बी कितना होगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास से निकालो, तो सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना होगा, 3/2 m। ठीक, एक इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, स्फेयर का बताओ, सॉलिड स्फेयर का बताओ, इसको बहुत पूछा जाता है इसलिए तुम लोग याद रखना, सॉलिड स्फेयर का ईस्ट टेंजेंट के अलोंग, सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड है, रंग दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड हो गया, अगर खाली छोड़ दिए तो हॉलो है। तो इसमें ए बी के अलोंग बताओ, ए बी के अलोंग, ए बी एक्सिस है, इसके अलोंग आई ए बी, सेंटर के अलोंग कितना होता है, आई सी एम प्लस ए एम आर, सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का, 2/5 और प्लस 7/5। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन को दिमाग में रखना हो, तो इस तरह का बन जाएगा, कोई रटना नहीं है, रटना किसको है, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग रटना है। अगर अगर इतना तुम्हारे समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें तुम्हारे समझ से ऊपर की चीज नहीं है। हाँ तो इस तरह से करके हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में जानकारी लेंगे, उसका डेरिवेशन भी देख लिए और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। अब जो होगा, जो अगला है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। हाँ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, TH-EORM होता है, ठीक ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थी कोण का, हाँ, कोण का निकालना, तुम मोमेंट ऑफ एनर्जिया, तुम लोग इसको ले लो असाइनमेंट में, ले लो असाइनमेंट में कि कितना होगा कोण का मोमेंट ऑफ एनर्जिया, ठीक ना। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था, जानते हो ना कि इस तरह के लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं, ऐसे लाइन को पैरेलल कहते हैं, इस तरह के लाइन को, दो लाइन ऐसे खींचो तो, और इस तरह के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, तो तुम देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम तुम लोग को पहले डेरिवेशन कर दें, तो तुम खुद ही इसका बता दोगे कि क्या होता है। तो हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, और ए एक्सिस क्या है जेड है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक्स वाई इस प्लेन में है और जेड कहाँ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्स वाई एक्सिस क्या है इस प्लेन में है और जेड क्या है इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो मान लो
तो एक्स वाई एक्सिस में तुम क्या करो, मान लो कि यहां कोई कोऑर्डिनेट हो, एक हम पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, एक्स वाई ले रहे हैं, तो इसका एक्स एक्सिस से कितना दूरी होगा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा ये पॉइंट, एक्स एक्सिस से इसका दूरी कितना होगा अगर वाई होगा, तो मान लो इस मास का अगर यहां पे हम मास है, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई एक्स लिखें, तो तुम आई एक्स कितना लिखोगे, आई एक्स लिखोगे एम वाई स्क्वायर। इसमें कहीं किसी को कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है मास, वाई एक्सिस से एक्स दूरी, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इधर हम आई वाई, तो आई वाई इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एम एक्स स्क्वायर। और जेड को हम बता रहे हैं कि जेड इसके परपेंडिकुलर है, जेड इसके परपेंडिकुलर है, तो इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं अंडर रूट हो जाएगा। तो आई जेड बताओ कितना होगा, आई जेड को अगर हम लिखें तो आई जेड कितना होगा, जेड कह लो, तो ए हो जाएगा एम होल स्क्वायर होगा, इतना इतना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना लिखेंगे। अब तुम क्या करो, जरा आई एक्स प्लस आई वाई को जोड़ो, आई एक्स प्लस आई वाई कितना हुआ, एम एक्स स्क्वायर, और ये कितना हुआ, एम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया, ये कितना हुआ, आई जेड हो गया। तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब क्या कह रहा है, इस थ्योरम के थ्रू हमको क्या पता चला कि अगर हम देखो किसी प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस हो और इनके अलोंग अगर दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो उन दोनों का सम उस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो ये पहले चीजें देखो कि ये किस तरह के, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम है ये हमेशा प्लेन बॉडी के लिए अप्लाई होता है, किस तरह की बॉडी हो, प्लेन बॉडी हो। प्लेन बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लैमिना भी बोलते हैं, इस तरह के जो बॉडी है, इस तरह का बॉडी होने का मतलब क्या, जो प्लेन हो, प्लेन होने का मतलब जो 2D हो, टू डायमेंशन में रहे, केवल एक्स वाई में रहे, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग बोलते हैं लैमिना भी बोलते हैं। लैमिना मतलब प्लेट होता है, क्या होता है, लैमिना मतलब प्लेट होता है। तो ये टू डायमेंशन में बड़ी होना चाहिए, टू डायमेंशन में होने का मतलब, और जो हम एक्स वाई लेंगे तो ए इसी प्लेन में होना चाहिए, जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं वो इस प्लेन में होने चाहिए, एक्स वाई इस प्लेन में रहेगा, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा, परपेंडिकुलर होगा जो एक्सिस, उसके थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक्स वाई होगा वो किस में होगा, इस प्लेन में होगा, जैसे कागज का प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर हमको निकालना है तब ये लागू होगा। तुम इस केस में ये नहीं कह सकते हो, अगर इस तरह की तुम्हारी बॉडी है तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि आई एक्स प्लस आई जेड इज इक्वल टू आई वाई, उस केस में तुमको जेड और एक्स को क्या होगा, एक प्लेन में होना चाहिए, वाई इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो हमारी बॉडी है वो किस में पड़नी चाहिए, एक्स और जेड में पड़नी चाहिए। अभी हमारी बॉडी किस में, एक्स वाई प्लेन में है ना, जो हमारी बॉडी है लैमिनर बॉडी है, ये प्लेट टाइप की बॉडी है, तो देखो एक्स वाई प्लेन मतलब टू डायमेंशन है, तो इसमें है, तो इसके जो परपेंडिकुलर है उसके थ्रू हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे वो किसके सम के होगा, एक्स के अलोंग होगा प्लस वाई के अलोंग जो होगा उसके। तो इसको याद रखो कि ये किसके लिए अप्लीकेबल है, लैमिनर बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, लैमिनर मतलब जो बॉडी प्लेन हो, प्लेन बॉडी मतलब 2D में जो हो, टू डायमेंशन में, ठीक ना। उसके तो स्फेयर के केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं स्फेयर 3D हो गया ना, एक्स वाई जेड हो, हाँ। तो ये लैमिनर बॉडी के लिए है। और अब जरा देखो तब इसकी ब्यूटी देखो कि इस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं।
तो अब तुम मान लो कि एक हम डिस्क लिए हैं, अब इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, शुरू में डिस्क से ही शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बेसिक तो वहीं से शुरू हो रहा है। तो मान लो ये डिस्क लिए, और अगर डिस्क लिए हैं तो इस डिस्क का बताओ कि इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना, ये जेड एक्सिस के अगर अलोंग ऐसे लें तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग कितना होगा, आई जेड, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। अब हम क्या किए, हम कहते हैं इसके डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस डायमीटर के अलोंग आई डी कितना होगा, आई डी। तो आईडी के लॉन्ग, तो इसमें तो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा नहीं सकते हो क्योंकि आईडी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो तुम क्या करो ना, इस डायमीटर के लॉन्ग जितना होगा क्या इसके परपेंडिकुलर एक और डायमीटर दे दें तो इसके भी लॉन्ग वही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बॉडी सिमेट्रिक है, तो जितना इस आईडी के थ्रू होगा उसी इस डायमीटर का भी थ्रू होगा, होगा कि नहीं। अब देखो अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान ले, इसको वाई मान ले, तो क्या हम लिख सकते हैं कि आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू आई जेड, ये दोनों एक प्लेन में, क्योंकि ये दो डायमीटर हैं, तो आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू आई जेड लिखेंगे, और आई जेड की वैल्यू कितनी है, एम स्क्वायर अपॉन टू है। अरे सर की आर आर सेम नहीं रहेगा, डिस्क है तो डिस्क सर्कुलर है। तो अब क्या देखो, तो इसके दो डायमीटर के लॉन्ग हम एक्सिस ले लिए, तो एक डायमीटर के लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिए, एक के लॉन्ग क्या ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए, और जेड एक्सिस के लॉन्ग हमको पता है, सेंटर के लॉन्ग तो हमको पता है जेड में कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है सेंटर ऑफ मास के थ्रू, जो इसका सेंटर है इसके थ्रू एम स्क्वायर बाई टू होता है, हम बता चुके हैं पहले भी, अब तुम अभी एग्जाम्पल भी कई सारे कर चुके हो। तो क्या हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से लिख सकते हैं कि आई डी प्लस आई डी क्या है, आई एक्स है, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड लिख सकते हैं। आई एक्स कितना है, आई डी है, आई वाई कितना है, आई डी है, इज इक्वल टू आई जेड हो गया, और आई जेड कितना है, एम स्क्वायर अपॉन टू है। तो अब इसको तुम लिखो, टू आई डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन टू लिखो, और तब आई डी इज इक्वल टू कितना हुआ, एम स्क्वायर अपॉन फोर, फोर एम आर स्क्वायर। तो इस किसी एक डायमीटर के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया हो गया वो एम आर स्क्वायर अपॉन फोर हो गया, ठीक, किसी एक डायमीटर के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया एम स्क्वायर अपॉन फोर हो गया। तो अगर इस डायमीटर के पैरेलल अगर कोई यहां से लाइन पास करे, ए बी अगर पास करे, तो इसके अलोंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, आई ए बी कितना हो जाएगा, आई ए बी कितना हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये चीज देखो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, ये कैसे है, डायमीटर के पैरेलल है, इस तरह से है, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसमें जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया अब हम जो ऐड करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो इस एक्सिस के अलोंग जो देखेंगे कितना है, और फिर इसके अलोंग देखेंगे, तो आई डी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया अब क्या होगा, आई डी प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और आई डी के अलोंग कितना है मोमेंट ऑफ एनर्जिया, एम स्क्वायर अपॉन फोर प्लस एम आर, तो कितना आ गया समझ में, ठीक ना। तो वो हम देखेंगे, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए, इसके अलोंग हमको मालूम है, तो इसके पैरेलल जो एक्सिस है उसके अलोंग क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के अलोंग हम नहीं पता कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अलोंग हमको पता करने के लिए क्या करना होगा, इसमें पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगाना होगा। तो देखो इसमें ए बी के अलोंग हमको पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों का यूज करना, दोनों को यूज करना पड़ा, ठीक ना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमको क्या चीज, आर ये दूरी पे है ना, तो हम नहीं बताए कि जो किसी एक्सिस के अलोंग अगर हमको मोमेंट ऑफ एनर्जिया पता हो, तो उसके पैरेलल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एम और आर से वो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस आर ही है ना, ये तो सर्किल है, डिस्क सर्कुलर है, तो ये तो हर एक जगह आ रही होगा ना,
ठीक ना। तो एक बात तो, हाँ तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोनों अप्लीकेबल हो गया। उसी तरह से तुम रिंग का बताओ, अगर रिंग ले लिए तो रिंग के डायमीटर के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग के केस में। हाँ हाँ बोलो। हाँ एक हमको तो ऐसे मालूम है परपेंडिकुलर, इसके सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर होता है वो हमको मालूम है, ठीक ना। इसके बाद हम क्या किए, परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम लगाए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम लगा के अब हम इस प्लेन में चले आए, परपेंडिकुलर में नहीं आए, इस प्लेन में चले आए, और हम इसके डायमीटर के अलाउ निकालिए कि किसी एक डायमीटर के अलाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हुआ, ठीक ना। तो इस डायमीटर के अलाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकाले वो आया एम स्क्वायर अपन फोर आया। आया किस एक्सिस, किस थ्योरम से निकाले, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाले। और इसके थ्रू जब पता चल गया तो हमको अब कोई कह दिया कि ए बी के अलोंग निकालो, और ए बी इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ए वाला सिचुएशन नहीं है जो पहले क्या था, जो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए थे, तो इसको प्लस इसको कर दिए, तो उस समय क्या था, परपेंडिकुलर था इसके। लेकिन अब क्या किए, इसके अलोंग टेंजेंट है, क्या है, इस प्लेन में है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अलोंग हमको पता चल गया तो 20 और प्लस 20 एम आर स्क्वायर करके इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वैसे हम, तुम लोग ट्राई करना तो धीरे धीरे आएगा समझ में जो हम बता दे रहे हैं। तो थोड़ा सोचो, अभी जब देखोगे तो चीजें आएंगी। तो इसमें तुम बताओ कि इसमें एक डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक डायमीटर के लॉन्ग जो ये डायमीटर है इसके लॉन्ग। तो इधर से आई हो गया, इधर से आई हो गया, और जो इसके परपेंडिकुलर है वो कितना होगा एम आर। तो रिंग है तो, अरे तुम मोटा कर लेना ना, हम अब उतना यहाँ कलाकारी थोड़े कर रहे हैं, तुम अपने बुक में तुम समझो चीजों को। तो क्या हुआ, तो लिखेंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा इसके थ्रू, और आई जेड कितना है एम आर स्क्वायर। रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर ऑफ मास के, सेंटर के थ्रू परपेंडिकुलर एक्सिस से, तो ये कितना होगा 2 आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो किसी एक इसके थ्रू हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया, और इसके भी थ्रू कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू, इतना हो गया, ठीक ना। अब तुम क्या करो, अब हम करें, अब इसके थ्रू निकालो, इसके थ्रू मत निकालो, यहां से 2 आर डिस्टेंस पे निकालो, यहां से 2 आर डिस्टेंस पे, यहां से वो तो एम आर स्क्वायर आई जेड होता ही है, ये तो सब जानते हैं, वेल नोन है, ये तो शुरू में किए हो पहले ही दिन। यहां से 2 आर दूरी पे निकालो, तो तुम क्या करोगे, इसके थ्रू तुमको मालूम है, अब क्या करोगे, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ो। तो अगर हमको ए बी के अलोंग निकालना हो तो आई ए बी कितना हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम 2 आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से 2 आर दूरी पे, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया तो 8 हो गया, 9 एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें हम क्या किए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज कर दिए और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी यूज कर दिए, ठीक ना। तो इस तरह से करके हम परपेंडिकुलर एक्सिस भी बता दिए, पैरेलल एक्सिस भी बता दिए। तुम देखोगे एच सी वर्मा के बुक में एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसको सॉल्व नहीं किया है, उसमें इस तरह से बनाया है, उसमें तो तरह तरह का डायग्राम बनाता है ना, तो एक ऐसे ऐसे फिगर बनाया है इसे ऐसे, और तुम लोग थोड़ा बढ़िया से देख लेना। और इसमें क्या है, कहता है कि ये स्क्वायर बन रहा है, ये डॉट डॉट है, ये केवल जो स्केलेटन बना है, जो फिगर संरचना बनी है इस तरह की है, ठीक ना, ऐसे है, ये खाली है और इसका 2a है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए ए हाफ सर्किल है। और इसके इसके जो एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको दिया हुआ है कि आई सेंटर ऑफ मास के अलोंग ऐसे परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, 1. आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास के अलोंग है 1.6 एम ए स्क्वायर है, एम ए स्क्वायर है। तो पूछा है कि इस एक्सिस के थ्रू तुम बताओ, इस प्लेन में अब तुम आ गए, इसके थ्रू बताओ ए बी के अलोंग कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्जिया। तो तुम क्या करोगे, पहले तुम क्या करोगे, इसके परपेंडिकुलर दिया है ना, तो तुम क्या करोगे, अपने से एक च्वाइस लोगे, एक ऐसे निकालोगे और ऐसे, दो एक्सिस ले लिए, तो यहां तुम अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो आई आई मान करके,
ऐसे अगर दो परपेंडिकुलर ऐसे ले लिए तो इसके थ्रू अब हम तुम पता कर सकते हो ना, इसके थ्रू तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1/6 एम ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो हमको i की वैल्यू पता चल जाएगी। और फिर i से कितनी दूरी पे है, अब देखो इसके थ्रू हमको पता चल गया तो इससे कितनी दूरी पे है, ए टू ए दूरी पे हो जाएगा, ए दूरी इतना ए हुआ और ए दूरी इतना ए हुआ, तो यहां से 2a दूरी पे हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो i मिला अब i में उसमें अगर m इंटू 2a का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस i के। तो तुम लोग जरा ट्राई करना, नहीं तो इसको हम दे देंगे असाइनमेंट में दे देंगे, या इसका सोल्यूशन हम भेज देंगे, तुम लोग देख लेना समझ में आ गया होगा, और नहीं तो क्या चीज, एक कोई एक क्वेश्चन है अनसॉल्व है, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है अनसॉल्व। अरे हम कभी देखे थे, अब हमको याद नहीं है, तुम लोग देखना हम बता देंगे बुक देख करके। हाँ आइए भी फिर तुम क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो उसके थ्रू तुमको आइए भी मिल जाएगा, ठीक ना। क्या दिखाना है पूरा बताओ, इस तरह से फिगर ए देखो, ए देखो इस तरह से है, इस तरह से, ठीक ना, थोड़ा सिमेट्रिक बनाना क्योंकि हमको मोबाइल भी पकड़ना पड़ता है, फिगर भी बनाना पड़ता है। इसको ये कह रहा है कि ये कितना है, 2a है, तो 2a है तो इसका रेडियस कितना हो गया इस सर्किल का, ए हो गया, ए भी 2a है तो यहां से ए हो गया, ए हो गया, या ए भी 2a है तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और यहां से ए भी 2a है तो ए हो गया, ए हो गया, हो गया। अब देखो तो ए इतना ए हो गया इतना, तो ए भी ए होगा, इसके सेंटर के अलोंग जो परपेंडिकुलर है इसके अलोंग वो दे दिया है कि इसके अलोंग जो है आई सेंटर ऑफ मास के अलोंग है 1.6 एम ए स्क्वायर है इसके अलोंग। तो अब तुम क्या करोगे, इस तरह से दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लो तुम, अब पूछा है कि इसके अलोंग निकालना है, ए बी के अलोंग, ए बी के अलोंग निकालना है, ठीक ना, तो ए बी के अलोंग निकालना है तो क्या करोगे, एक एक पर सेंटर से पास होने वाला एक एक्सिस ऐसे लो और हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है तो एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे दे दो, तो इसके अलोंग आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके भी अलोंग क्या होगा, आई होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सिमेट्री है तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, दोनों के अलोंग आई लिखेंगे। तो अब क्या तुम लोग लिख सकते हो कि आई प्लस आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास होगा, परपेंडिकुलर होगा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड होगा, और आई जेड कितना है, 1.6 एम ए स्क्वायर है, तो यहां क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 1/6 एम ए स्क्वायर होगा, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, कट गया, तो 0.8 एम ए स्क्वायर, ओके ठीक। तो हमको इसके अलोंग और मिल गया, इसके अलोंग हमको कितना मिल गया, इतना मिल गया, तो बताओ इसके और इसके बीच कितनी दूरी है, तो 2a दूरी होगा, a दूरी इतना a है और a दूरी इतना a है, तो 2a हो गया, तो आई ए बी के अलोंग हम क्या लिख सकते हैं, आई ए बी के अलोंग क्या लिख सकते हैं, इसके पैरेलल a है तो ये लिख सकते हैं 0.8 एम ए स्क्वायर और प्लस एम 2a का होल स्क्वायर, ए दूरी 2a, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देना जितना भी है, तो वहीं इसकी वैल्यू हो जाए, और ये शायद कितना, 2 × 2 = 4, तो ये 4.8 एम ए, इसका 4.8 एम आया समझ में, बोलो। तो तुम लोग इस तरह से ट्राई करना, एक दो क्वेश्चन और हम देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आज असाइनमेंट दे देते हैं तो उसको तुम लोग कर लेना। तो ये दोनों मेनली समझना था, ये लेसन अब देखो लगभग खत्म होने वाला है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। एक होता है इसमें जैसे लीनियर मोमेंटम होता है उसी तरह से सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में हमको पढ़ना होता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग दिखाते हैं एल से दिखाते हैं, कहीं कहीं जे से भी दिखाया गया है लेकिन एल से दिखाएंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम का जब तुम मोमेंट लोगे तो उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। किसी भी वस्तु का मोमेंट लेने के लिए हम क्या बोले थे, आर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मास का मोमेंट लेना हो तो एम इंटू आर कर दो तो ये मास का मोमेंट हो गया। लीनियर मोमेंटम का अगर मोमेंट लेना है तो क्या करोगे,
पी इंटू आर कर दिए तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट हो गया। ये सब चीजें बताए थे ना। तो अब तुम क्या करोगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट है, लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। तो लीनियर मोमेंटम कितना होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है, होता है। और अगर इसका तुम मोमेंट लोगे, तो इसका मोमेंट लोगे तो क्या करोगे, p इंटू आर कर दोगे, p में r का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, l से दिखाते हैं, l से इसको दिखाते हैं। तो p क्या क्या हुआ, एम वी इंटू आर हुआ। और रोटेशनल मोशन में v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा। तो यहां रख दो आर ओमेगा रख दो, तो एम आर ओमेगा इंटू आर हो गया, तो क्या हुआ, एम आर स्क्वायर। और मान लो कि कोई एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे मास है, एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव एम एन है। तो हम क्या किए, समेशन ले लिए सब मास का, तो ये कितना हो गया, तो एम आर स्क्वायर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ एनर्जिया हो गया, टोटल इस बॉडी का मोमेंट ऑफ एनर्जिया हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा तो उसी तरह से रह गया, ये मोमेंट ऑफ एनर्जी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम बोले। तो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। इसका यूनिट बता दो क्या होगा, यूनिट इसका, तो देखो एम वी आर है, तो एम वी आर का मास का क्या हुआ, केजी हुआ, वेलासिटी का क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड हुआ, और आर का क्या हुआ, मीटर। तो कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर। और अगर इसको बहुत सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल होता है, जूल सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, जूल सेकेंड। जूल किसका होता है, वर्क का होता है, और सेकेंड इसीलिए देखोगे ना, तो इसको जे नहीं लिखते हैं, एल कई लोग लिखते हैं, ताकि और बुक में जे भी दिया रहता है, जे से भी। तो यहां जब यूनिट लिखोगे ना तब गड़बड़ा जाता है काम, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो एल लिखोगे, ठीक ना, जहां जे भी लिखा रहे तो जे को भी समझो कि जे वही चीज है। ये देखो जूल सेकेंड क्या इसके इक्वल है, केजी मीटर इस पर के, देखो तो जूल किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है जूल, और सेकेंड क्या है, टाइम का यूनिट है। तो देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ डी होता है, और ये क्या है, टाइम है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है, और डी है और टी है। मास का क्या होगा, केजी होगा, एक्सलेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी का क्या होगा, मीटर होगा, और टी का क्या होगा, डी का क्या होगा, सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड सेकेंड कट गया, तो ए भी कितना आ गया, ए भी कितना आ गया, सेकेंड सेकेंड कट गया, तो ये भी कितना आ गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ए इसके इक्वल है ना, तो इसलिए इसका एक यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, जूल सेकेंड, ठीक ना। तो ए हो गया एंगुलर मोमेंटम, तुम लोग को मालूम हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, हमने क्या देखा है, इस तरह से कर्ली एल लिखते हैं इसको, तो एल इज इक्वल टू क्या, आई ओमेगा हो गया। अब इसको इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो डीएल अपॉन डीटी कितना होगा, आई कॉन्स्टेंट है, डी ओमेगा अपॉन डीटी हो गया। और ये कितना, डी ओमेगा बाई डीटी क्या है, एंगुलर वेलासिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सलेशन हो जाए, अल्फा हो जाए, अल्फा। और आई अल्फा किसके इक्वल था, टॉर्क के इक्वल था। तो डीएल अपॉन डीटी किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल। तो अगर किसी, हाँ इसलिए कि हम इसको टॉर्क के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो डीएल अपॉन डीटी क्या है, टॉर्क है। अगर मान लो अगर हम इस टॉर्क को जीरो कर दिए, अगर टॉर्क को जीरो कर दिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन डीटी जीरो होगा। और कोई भी क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे जीरो कब होता है, जबकि वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहे, तो एल क्या है, एल कांस्टेंट। तो देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क काम ना करे, टाउ क्या हो, जीरो हो, टाउ की वैल्यू अगर जीरो हो, टॉर्क नाम काम ना करे किसी बॉडी पे, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इसको हम लोग इसको नियम को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे
जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम क्या बोले थे कि किसी सिस्टम ऑफ बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, इसमें हम क्या कहते हैं किसी सिस्टम ऑफ बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना वर्क करे, नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक हाँ अप्लाइड। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एल क्या होगा, वो क्या होगा कंजर्व होगा, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो टॉर्क कांस्टेंट होगा, टॉर्क क्या कांस्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब आई ओमेगा क्या होगा वो कांस्टेंट होगा, होगा ना, क्योंकि एल क्या है आई ओमेगा, एल क्या है आई ओमेगा है, तो आई ओमेगा की वैल्यू ये क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। और जब आई ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो तुम एक एग्जांपल से देखो, मान लो किसी रस्सी को एक पाइप के सहारे किसी रस्सी को ऐसे गोले को बांध करके और ऐसे घुमा रहे हो सर्किल में, ठीक ना, ऐसे घूम रहा है, तुम क्या करो इस रस्सी को धीरे धीरे तुम नीचे की ओर खींचो, तो टॉर्क इस पे कोई काम नहीं करेगा अगर कि, क्योंकि तुम जो फोर्स लगा रहे हो ना वो इसी सेंटर से पास हो रहा है, तो इससे टॉर्क क्या होगा जीरो होगा, तो इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं करेगा। तो रस्सी को खींच दिए तो पहले गोला इतने बड़े रेडियाई में घूम रहा था, अब क्या है गोला थोड़ा सा छोटे रेडियाई में घूमेगा, नहीं अब ये गोला क्या है थोड़ा सा छोटे रेडियाई में घूमेगा, तो अब बताओ इस केस में क्या होगा, जब गोला छोटे रेडियाई में घूमेगा तो उस केस में क्या होगा आई ओमेगा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, आई ओमेगा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक ना। तो अगर मान लो कि हम मोमेंट ऑफ एनर्जिया अगर इस गोले का अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, अगर इस गोले का मोमेंट ऑफ एनर्जिया कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर अगर मोमेंट ऑफ एनर्जिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और जब अगर मोमेंट ऑफ एनर्जिया घटेगा तो ओमेगा क्या होगा बढ़ेगा। तो अब बताओ जब रस्सी छोटा कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया घट रहा है कि बढ़ रहा है, आर घट गया तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो जब रस्सी को छोटा कर दिए तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया क्या है घट गया, तो जब मोमेंट ऑफ एनर्जिया घट गया तो ओमेगा क्या होगा बढ़ जाएगा, तो जितना नीचे खींचोगे उतना ही ये तेज घूमना शुरू कर देगा, आया समझ में, यहाँ धीरे धीरे जो घूम रहा है यहाँ क्या होगा ये तेज घूमना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि आई घट रहा है तो ओमेगा क्या होगा बढ़ जाएगा। अब देखो इस तरह का तुम लोग एक खेल वाले में देखते होगे, किसी सर्कस में जब जाते होगे तो सर्कस में किसी एक गोल टेबल पे देखते होगे कि गोल टेबल पे कोई एक खिलौना रख देते हैं, या कभी सर्कस करने वाला आदमी भी क्या होता है इस गोल टेबल पे खड़ा रहता है, ठीक ना, और अपने हाथ में दोनों ऐसे डंबल लिया है, एक हाथ में इधर डंबल लिया है और एक हाथ में ऐसे डंबल लिया है, ठीक है, जब ये हाथ फैलाया हुआ है तो आर क्या है ज्यादा है और ये टेबल घूम रहा है ओमेगा से, ठीक ना। अब ये आदमी क्या किया, ये आदमी बहुत चालाक है, तुमको अपना सर्कस दिखाने के लिए क्या किया, ये अपना हाथ ऐसे मोड़ लिया, ये जो डंबल लिया है ये अपना हाथ ऐसे ऐसे मोड़ लिया, ठीक ना, आर घट गया, नहीं आर घट गया तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया घटा कि नहीं घटा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो उस इस केस में मोमेंट ऑफ एनर्जिया क्या होगा डिक्रीज हो गया, तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया जब इसका घट जाएगा ना तो ये टेबल और तेजी से नाचने लगेगा, नाचेगा क्योंकि कंजर्वेशन आप ये क्या होगा, ये क्या होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो जाओगे सर्कस में देखोगे तो टेबल पे बैठे रहेगा वो हाथ फैलाएगा नजदीक करेगा, तो जैसे हाथ फैलाएगा तो स्लो हो जाएगा टेबल, हाथ जब इस तरह से करेगा फैलाएगा कम कर, हाथ जब मोड़ लेगा तो क्या होगा ये तेजी से चलेगा, तो ये क्या है ये कोई सर्कस का कोई उसका कर्तव्य नहीं है बल्कि क्या है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा है, और जब एक्सटर्नल टॉर्क कोई क्या चीज, अरे आई आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ओमेगा हो गया ना, इससे हो गया ना, तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो आई घटेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो आई घटेगा, अगर अगर ओमेगा घट दोनों एक दूसरे के, अगर ए बढ़ा तो ए घटा, ए घटा तो ए बढ़ा, ठीक ना, दोनों उल्टा है,
तो अगर मोमेंट ऑफ एनर्जिया तुम बढ़ा दो, उसी तरह से क्या करोगे, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/i लिखोगे, ऐसे लिखोगे। तो अगर मोमेंट ऑफ एनर्जिया बढ़ गया तो ओमेगा क्या होगा, घट जाएगा, यहां बढ़ गया, और अगर अगर आई कम हो गया तो क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आता है कि मान लो कि धरती की त्रिज्या को हम सिकुड़ा करके आधा कर दें, अर्थ है, अर्थ क्या इसका रेडियस आर है, ठीक ना। अब क्या किए, अर्थ को तुम सिकुड़ा करके आधा कर दिए, अर्थ को क्या है, अर्थ का रेडियस पहले इतना बड़ा है, अर्थ को तुम सिकुड़ा करके इसका रेडियस छोटा कर दिए, अर्थ को, धरती को ये आर बाई टू कर दिए, तो क्या होगा, आई बाई टू, जब आर बाई टू कर दिए और मास सेम है तो मोमेंट ऑफ एनर्जिया इस केस में कितना है, इस केस में जो अर्थ है सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² है कि नहीं, जब सॉलिड अर्थ सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² है, अर्थ को क्या किया तुम सिकुड़ा दिए, तो जब सिकुड़ा दिए तो इसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया कितना हो गया, ये हो गया 2/5 और कितना हो गया m और r/2 होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखो मोमेंट ऑफ एनर्जिया जब सिकुड़ा दिए तो घट गया, तो जो मोमेंट ऑफ एनर्जिया सिकुड़ा दिए घट गया तब तुम बताओ क्या होगा, तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ओमेगा बढ़ जाएगा तो जो दिन रात पहले 24 घंटे का होता था अब क्या होगा, जल्दी जल्दी दिन रात होने लगेगा, नहीं ये मान लो कि अर्थ जो 24 घंटे में घूम रही थी अब अर्थ क्या होगी, कम ही समय में घूम जाएगी, तो दिन रात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस इस केस तो इस केस में भी क्या होगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू तुम लिखोगे, क्योंकि क्या होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और इस पे हम तुमको एक असाइनमेंट देंगे जिसको सॉल्व करके तुम लोग को देना होगा, ठीक ना। तो इस हम आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इसका, इस हाँ इसका रेडियस आधा कर दिए तो अर्थ क्या हुआ, तेजी से घूमने लगी। अर्थ क्यों घूमने लगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से उसका क्या हुआ, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पहले पहले जितना मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम था उतना ही लास्ट में भी रहेगा, ठीक ना। तो अर्थ क्या होगा कि अपना मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, जैसे इसमें हम क्या किया मोमेंट ऑफ एनर्जिया जैसे ही हम कम किए यहाँ पे तो टेबल तेजी से घूमने लगा कि नहीं घूमने लगा, उसी तरह से जब अर्थ का मोमेंट ऑफ एनर्जिया कम किए तो कम कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ कम हो रहा है ना, 2/5 mr² से क्या है r/2 तो r/4 होगी। तो अब क्या हुआ, तो अर्थ तेजी से घूमने लगेगी, और तब हम क्वेश्चन दिए कि तब बताओ कि दिन रात कितने घंटे का होगा, और तुम लोग इसको असाइनमेंट में करके हमको भेजोगे और हम उसको चेक करके नंबर बैठा करके तुम लोगों को देंगे कि तुम्हारा इतना नंबर आए। अब देखो इसमें इस तरह से लेसन अब खत्म होने वाला है। देखो अगर एक काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें, रोटेशन मोशन में, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या हम लोग काइनेटिक एनर्जी m/i² लिख सकते हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि रोटेशनल मोशन में हम लोग रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 1/2 mv², और रोटेशनल मोशन में हम v को क्या लिखते हैं, v को क्या लिखते हैं, r ओमेगा लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, 1/2 m और v को लिखोगे r ओमेगा का होल स्क्वायर, ri लिख दो, ये समेशन कर दो क्योंकि रिजिड बॉडी के लिए लिए हैं, तो क्या होगा 1/2 m r² ओमेगा² हो गया m i r i का, और m r² क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 i ओमेगा, इसको भी तुम लोग याद रखो। अगर यहां देखो तुम लोग लिखे तो एक अभी हम लोग पढ़े कि l इज इक्वल टू क्या था, i ओमेगा था, l इज इक्वल टू i ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज l/i, तो यहां l/i पुट करो, ओमेगा इज इक्वल टू तो 1/2 i और l/i² तो एक कट गया यहां से तो कितना हो गया l² 1/2 l² / i हो गया, ठीक ना। क्या किए, ओमेगा की वैल्यू हम लोग रख दिए यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू कितना रख दिए, ओमेगा इज इक्वल टू रख दिए l/l, हाँ ठीक ना। तो इस तरह से करके हम रोटेशनल मोशन को अभी खत्म कर दिए, और जो है
और बाद में जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसका भी इसमें रिकॉर्डिंग कर ले रहा है, तो अभी हम इसको बंद करके फिर से रीज्वाइन कर रहे हैं, ठीक ना।